अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमरा से आने के बाद आज हमने बनाया है मटन का सालन, ज़रूर इंजॉय कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्याज हमने ले लेनी है, आधा चम्मच हमारे पास में ज़ीरा है, दो दालचीनी है, दो लौंगे हैं, दो इलायची है, एक बड़ी इलायची है, और पाव चम्मच हमारे पास में काली मिर्चें हैं, एक 8 से 10 हमने बादाम लिया है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। 10 हमारे पास में तड़के वाली मिर्चें हैं, 2-3 हमने हरी मिर्चें ली है, 3-4 कड़ी पत्ता हमने लिया, और मोटे मोटे ये 3 लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया। इसे हमने हल्का सा सौते कर लेना है और उसके बाद हमने इसको पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो हमारी मटन की ग्रेवी आज इसी मसाले की रहने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस हद तक ये रोस्ट हो जाना चाहिए, हल्का सा तेल लगाकर आप इसे अच्छे से रोस्ट करिए खुशबू आने तक, फिर ठंडा करके पीस लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 300 ग्राम मटन को हमने पहले से अदरक लहसुन हल्दी नमक के साथ में गला लिया है। सो बस अब हमने भुनाई का काम करना है, ठीक है। इस मसाले को हमने ठंडा कर लिया है, एडिशनल बस इसमें धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच, अब हम इसे पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तेल में 1 से 1.5 चम्मच तेल में हमने गोश्त डाल देना है जो हमने गला कर रखा है, क्योंकि गोश्त को हम थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट तक तो हमारा गोश्त वो फ्राई हो जाएगा, ठीक है। गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, अब सारा मसाला जो हमने पीस के रखा है अच्छा बारीक हो गया है, वो सारा का सारा मसाला इसमें डाल देते हैं। और इसे हम भून लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। और इसमें अभी लाल मिर्ची पड़नी बाकी है, तो तड़के वाली मिर्ची हमने जो डाली थी उसके अलावा ये 1.5 चम्मच मिर्ची, बाकी धनिया एंड ऑल सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर 1 टमाटर कट करके डाल देते हैं। अब हमने अच्छी तरीके से इसे भून लेना है कि तेल हमारा सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुना गया है। आप इसमें एडिशनल ये तले हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने बस एक टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसमें डाला है। वैसे खाली गोश्त के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है, ठीक है। तो फाइनली ग्रेवी डालने की ज़रूरत है, तो मैंने इसमें 1 ग्लास ग्रेवी के लिए पानी डाला है, ठीक है। अब हम ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। यस, ये काफ़ी अच्छी है, इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद फिर ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो अभी क्या करना है कि ग्रेवी अच्छे से पक जाए, 1-2 सीटी लगा लेते हैं, आलू भी गल जाएंगे और ग्रेवी भी पक जाएगी। चलिए करते हैं। अब हम आपको फाइनली दिखाते हैं, 2 सीटी हमने लगा ली है, ये आप देख लीजिएगा, बेहतरीन सा हमारा गोश्त का सालन बनकर तैयार है। हम इसे फटाफट से डिश आउट कर लें। तो दोस्तों अब बताइए कि आपको हमारा आज का बनाया हुआ मटन का सालन कैसा लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उमरा से आ गए हैं और आप सब
सबके लिए दुआएं की गई है, और जिस जिसने नाम लेकर दुआ करने के लिए कहा है उनका नाम लेकर दुआ की गई है, और बाकी ऑल मेरे व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा उम्रा कबूल कर ले। और आप इस रेसिपी को कितने मार्क्स दे रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।